स्पेशल मैसेज वाई मिस्टर एस मुफारिसर अवर लविंग सीईओ। आपको पता है कि जब भी वो चीज बताते हैं तो पूरी कैलकुलेशन के साथ बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही एक बहुत ही सुपरहिट मैसेज हम सब लोगों को जो है उन्होंने दिया, और उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने हम सब लोगों को बहुत कुछ बताया, और आज उसी का हिंदी में ट्रांसलेशन करके मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, बिकॉज ये एक सुपर हिट मैसेज होने वाला है। बिकॉज आप डिसाइड कर पाएंगे आगे आने वाले टाइम के अंदर कि आपको किस व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए और किस व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो विदेशी तौर पर सबसे पहले आपको सचमुच अपनी सोच को फिर से प्रोग्राम करना होगा और अपनी सोच के ढांचे को फिर से डिजाइन करना होगा। जैसे कि पॉजिटिव होना और एक अनहेल्दी सोच होती है, अगर इसलिए यह पहली चीज है सकारात्मक होना। जिस तरीके से अगर आप सोचते हैं कि मैं अनहेल्दी हूं, जी हां मैं अनहेल्दी हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो आप अनहेल्दी ही रह जाएंगे। अगर आपकी यही सोच जो है सकारात्मक हो जाती है कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूं, तो आप हेल्दी होना शुरू भी कर देंगे। दूसरी बात यह है कि लीडरशिप के बारे में कुछ भी नहीं है, आप ठीक हैं। यह ज्यादातर दूसरों के लिए आपको वह प्यार, जुनून, करुणा और दूसरों की देखभाल करनी होती है। आपको सब कुछ देखना होता है और उसके विपरीत देखना होगा एंड उसे दूर रहना भी होगा। उससे कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनसे दूर रहना भी होगा। जब आप यह देखते हैं कि कोई व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड है या नहीं है, उसके पास अधिक काम है या नहीं है, ऐसा काम शुरू करें और फिर इससे इसे नेचुरल भी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से लीडर नहीं होता है, उसे यहाँ पर बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटी जो है सीखनी पड़ती है, तब वह एक अच्छा लीडर जो है बन पाता है। आपको खुद को विकसित करना यह भी एक लीडरशिप क्वालिटी ही है। आपको खुद एक डिसीजन मेकर होना पड़ेगा, आपको स्वयं सारी चीजें शुरू करनी होगी। आप यह बिल्कुल भी ना सोचें कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। आपको जो कुछ भी आता है उसी के साथ शुरुआत करें और उसके बाद क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, उसमें धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। जो भी आप करेंगे उसे आप खुश होकर के करेंगे। यदि आपको कोई भी काम खुश होकर के नहीं करते हैं तो लोग आपके काम के अंदर गलतियां ही निकालेंगे, क्योंकि जब आप काम खुश होकर के नहीं करते हैं तो आपसे गलतियां होना स्वाभाविक है। कोई भी काम खुश होकर ना करने से गलतियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। एसर ने जो है मैनेजमेंट के बारे में भी समझाया, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है और वह आपके अपने बॉस की बात को नहीं मानता है या उसका मान सम्मान नहीं करता है और बॉस उसे बार बार काम करने को बोलता है, तो क्या वह एक लीडर नहीं है? नहीं, वह एक लीडर नहीं है। बॉस हमेशा धमकी देता रहता है, अगर आपको सैलरी चाहिए, अगर आपको नौकरी करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको यह सब करना पड़ेगा। यह एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, बल्कि यह एक मैनेजमेंट है। लीडरशिप क्वालिटी बनाने में समय लगता है। किसी व्यक्ति के जीवन में आप कितना काम करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में आप कितना बदलाव लेकर के आते हैं, वह आपसे कितना ज्यादा प्रभावित होता है, कोई इंसान आपको कितना फॉलो करता है, कितने लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और कितने लोग आपको बिना बताए आपके बनाए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं, इसको कहते हैं लीडरशिप। और इन सभी कामों को पूरा करने में समय लगता है। आप किसी बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति यह देखेंगे कि आप उनको बिजनेस में किस तरीके से शुरुआत करा रहे हैं, यानी कि किस तरीके से शुरुआत करा के उस बिजनेस में लेके आ रहे हैं और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। वह एक भरोसा करके आपके इस बिजनेस के अंदर आते हैं, वहाँ का मान सम्मान आपका वहाँ जो है मान सम्मान करते हैं एंड आपकी प्रशंसा भी करते हैं। इन सभी कामों में समय लगता है, इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को विकसित करना होगा और फिर अपने करीबी लोगों के पास जाना होगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। किसी व्यक्ति के ऊपर जितना अधिक आपका प्रभाव होगा, वह व्यक्ति आपको उतना ही ज्यादा फॉलो करेगा। आपका सबसे महत्वपूर्ण काम यह होगा कि वह सामने वाला व्यक्ति जहां जाना चाहता है उसको वहां ले जाने में आप उसकी मदद करें, उस पद को प्राप्त करने में आप उसकी मदद करें। जब कोई भी पोजीशन और कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ऊपर हो जाता है,
यानी कि कोई भी पोजीशन या कोई भी बिजनेस आपसे ऊपर हो जाता है, यानी कि एक रिलेशनशिप से भी ऊपर हो जाता है, तो यह एक मजबूत बंधन बन जाता है आपसे पहले यह उसका बिजनेस बन जाता है। वह अपना खुद का एक गोल एंड एक विजन बना लेता है। वह आप पर इतना भरोसा करता है कि वह अच्छा कहां जाना चाहता है, या फिर आप उसको वहां लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं क्षमता है, वह सब कुछ पहचानना शुरू कर देता है। और आप एक परफेक्ट कैलकुलेशन जानते हैं या नहीं जानते हैं तो सामने वाला व्यक्ति इसको भी पहचानना शुरू कर देता है। किसी एक काम के लिए सीरियस होना एंड रियल होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप खुद पर भरोसा करते हैं कि मुझे यहां तक पहुंचना जरूरी है। जब आप ऐसा खुद करते हैं तो दूसरे लोग आपको कॉपी करते हैं। इसी कमजोरी और डर को, किसी भी कमजोरी या डर को फॉलो नहीं करना है। किसी मजबूत लीडर को फॉलो करो जिसके मन में हमेशा यह रहता है कि करो या मरो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं जो हमेशा कहता है चलो कोशिश करके देख लेते हैं, देखूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं काम को एक महीना दूंगा इसके लिए, और यह काम अगर सही तरीके से काम नहीं करता है तो मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति आपको कभी भी सफल नहीं बना सकते। दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं जो यह सोचकर आया है कि मैं यहां पे करूंगा या मरूंगा, कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तो आप इस व्यक्ति को फॉलो करके सफल हो जाओगे। आप इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हो। आप यह सोच सकते हो कि मैं एक अच्छे हाथों में हूं, मैं एक अच्छी स्थिति में हूं। आप इतना भरोसा कर सकते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि परमाणु बम भी गिर जाए तब भी आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। लोग इसी प्रकार के लोगों को, लीडर को फॉलो करना चाहते हैं। लोग ऐसे लीडर को फॉलो करना चाहते हैं जिसका डायरेक्शन, जिसका विजन, जिसका मिशन पूरी तरह से क्लियर हो। आप ऐसे व्यक्ति को आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। अगर आप किसी भी काम को शुरू करने जा रहे हैं तो लोगों का आपके ऊपर भरोसा पक्का होना चाहिए। अगर यह भरोसा पक्का होता है और जैसे ही आप अपनी बस को शुरू करते हैं तो तुरंत ही बहुत सारे लोग उसमें चढ़ जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर जा रहे हैं, और आपको खुद पर भरोसा भी होना चाहिए। यदि आप खुद रियल नहीं हैं तो फिर सामने वाला व्यक्ति आपके पास टिकने वाला नहीं है। आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते आज की डेट में। यदि आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे और हमेशा हमेशा के लिए उस व्यक्ति का जो साथ है या रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से खो देंगे। एक सही लीडरशिप क्वालिटी वाला व्यक्ति आपके साथ आए हुए सभी लोगों का एक विजन लेकर के आगे बढ़ता है। वह आपकी रक्षा के लिए सभी काम करेगा। इसलिए कोई भी लीडर पहले खुद नदी को पार करता है, खुद पहले रिस्क उठाता है, खुद पहले चैलेंजेस को फेस करता है। और एक सही लीडर का काम यह होता है कि इन सारी चीजों को वह बहुत ही ज्यादा आसान बना दे। जो कठिनाइयां एक लीडर झेल रहा है उन सभी कठिनाइयों को उसकी टीम के दूसरे लोग कभी भी ना झेल पाए। लास्ट में सर ने हमें एक मैसेज दिया है कि आप जिस लीडर को फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी जरूर ले लें, और आपको सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक अच्छे लीडर को हमेशा ईमानदार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट।